हेलो स्टूडेंट, हम लोग अभी तक कैश फ्लो के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। आप सभी को कैश फ्लो के बारे में बताया जा चुका है और कैश फ्लो में जैक का जो नया सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस जो है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि कैश फ्लो में आपको केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही इस बार आएगा। इस बार के एग्ज़ाम में ये जो सेशन है, इस सेशन में जो हम लोग का सेशन 20-21 है, इस सेशन में केवल हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को, हमारा क्वेश्चन जो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि उसमें जो मेथड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो होता है, उसमें इनडायरेक्ट मेथड को ही बताना है। आपको सारा फॉर्मेट, सारा चीज़ डिटेल किया जा चुका है कि हम लोग कैसे तैयार करेंगे। उस आधार पर अब हम लोग किसी भी डिफरेंट टाइप के बहुत सारे बुक हैं, जैसे आपका एनसीईआरटी की बुक है, या फिर तुम आपके ये एसके सिंह की बुक है, एसबीपीडी, या फिर आपके शिक्षा सागर की बुक, तो बहुत सारे बुक जो है, डीके गोयल की बुक है, तो बहुत सारे बुक हैं। उससे हम लोग क्वेश्चन उठाएं, क्वेश्चन अब सॉल्व करके देखें, 2-4-5 क्वेश्चन डिफरेंट बुक से, जिससे कि हमको पता चलेगा कि हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम लोग इस क्रम में एस के सिंह के बुक की क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर निकालना है इनडायरेक्ट मेथड से, बार बार बोला इनडायरेक्ट मेथड से, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को, इसको देखा जाए। देखिए, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन है, और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम लोग को ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये करना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताइए। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखिए, आपको जैसे हम फॉर्मेट पहले बताए हैं, उसको एकदम सेम उसी फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा, जिससे कि सारा चीज़ डिटेल्स में और अच्छे तरीके से बताया जा सके। फॉर्मेट जो बताया गया है, उसमें ये बताया गया है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेंगे, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन पहले दिया जा चुका है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के बाद क्या करेंगे कि वो वहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में, देखिए हम यहाँ स्टार मार्क किए हैं, इसको हम वर्किंग में दिखाएंगे। यहाँ एक बगल वाले, जैसे आपके पास दो पेज रहेगा तो एक पेज में बनाइएगा और दूसरे पेज में जो है आप ये वर्किंग कर लीजिएगा। वर्किंग में देखिए, आप बनाते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि दो पेज आपके पास जैसे है तो एक पेज में बना रहे हैं, आधा पेज तक छोड़ दीजिए, अपने डेढ़ पेज छोड़िएगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन अगर बड़ा है, आपका स्पेस में नहीं आ रहा है तो दिक्कत होगी। तो आप वहाँ पर वर्किंग्स करेंगे डेढ़ पेज के बाद, और वर्किंग्स में आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आप निकालेंगे। हम जो क्वेश्चन लिए हैं, उस क्वेश्चन में बहुत सारा आइटम नहीं है, जैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए आपको अलग से हम जो फॉर्मेट दिए हैं, उसमें ये बताए थे कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड, जो भी आप यूज करें, आप पहले लिख दें, जो कि क्लोजिंग प्रॉफिट माइनस ओपनिंग प्रॉफिट से आएगा 130,000, इस क्वेश्चन में आया। इसके बाद इसमें बहुत सारा आइटम हम जोड़ने के बारे में बताए हैं, जैसे बताएं कि ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व हो, प्रोविजन फॉर टैक्स हो, प्रोविजन फॉर डिविडेंड हो, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है, या लेस करने के लिए रिफंड फ्रॉम टैक्स हो, ये डिविडेंड रिसीव, मैंने डिफरेंट टाइप का बहुत सारा आइटम हम आपको बता चुके हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं कि जितने भी आइटम्स आपको बताए हैं इनडायरेक्ट मेथड में, ये कैलकुलेशन का, उसमें क्या है कि केवल नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो है दिया हुआ है, ना ही जनरल रिजर्व, ना डिविडेंड, ना टैक्स, ना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो वैसे कंडीशंस में जब हम लोग ये करेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो सब नहीं दिया है, तो जो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है वही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो जाएगा, और 130,000 जो आया है, तो यहाँ हम लोग 130,000 इस कॉलम में लिख देंगे, आउटर कॉलम में। अब 130,000 लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो आपको बताया गया है जैसा क्लास में, कि जैसे पहले के क्लासेस जो हुए हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि नेट प्रॉफिट में अब आप क्या करेंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया, उसमें ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज या नॉन कैश चार्जेज, जो भी ऐसा कोई भी एक्सपेंसेज जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है,
और नॉन कैश आइटम में जो आता है जैसे डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन दिया हुआ है तो 20 और 19 का दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए क्लोजिंग ओपनिंग किए तो ड्यूरिंग द ईयर हमारे ईयर में हमारे पीरियड में कितना हुआ 10,000, तो 10,000 यहाँ लिख दिए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स या नॉन कैश इनकम्स जो है अगर कोई आता है तो उसको लेस करते हैं। इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई नॉन कैश इनकम्स या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स नहीं दिया हुआ है। वैसी स्थिति में हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स या नॉन कैश इनकम्स में कुछ नहीं लेंगे और इन दोनों को ऐड किए, जैसे इसको ऐड किए 10,000 तो 1,40,000 और लेस में कुछ भी नहीं है। 1,40,000 जो आया उसका हम अपने से एक नाम दे दिए हैं और वो नाम दिए हैं हम लोग का कि हम लोग का नाम क्या होगा, तो ये नाम जो होगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अभी वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करने के पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया वो हम लिख लिए। इसके बाद वर्किंग कैपिटल वाले नेचर मींस करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे और करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी के बारे में लिखेंगे। जैसे हम लिखे ऐड और लेस, इसमें अब क्या ऐड और लेस करेंगे, आपको पहले से बताया गया है कि डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में जो कमी आता है उसको ऐड करेंगे, या इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी में अगर कोई वृद्धि होता है उसको ऐड करेंगे, जबकि लेस करेंगे इंक्रीज इन करेंट एसेट्स और डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज के अपोजिट वाले। अब देखिए एक एक करके देखिए आप क्वेश्चन में, तो उसमें दिया हुआ है डेटर्स, तो डेटर्स जो दिया हुआ है डिक्रीज इन डेटर्स है 10,000। उसके बाद दिया हुआ है बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल देखिए 10,000 से 12,500 हो गया है, क्वेश्चन ये इंडिकेट करता है, तो क्वेश्चन ये इंडिकेट कर रहा है, तो वैसे स्थिति में हम लोग का 2,500 जो है वो इंक्रीज कर गया है बिल रिसीवेबल में। इसी तरीके से आपका क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर्स इंक्रीज किया 5,000 से, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो डिक्रीज किया है, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है क्रेडिटर डिक्रीज किया है 5,000 से, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि क्या है करंट लायबिलिटी के रूप में इसको हम मान करके किए हैं, तो वो इंक्रीज किया 8,000 से 1,000 हो गया है 800 से, तो वैसी स्थिति में 200 ये बढ़ा है, तो इसको हम यहाँ लिख दिए। इसी तरीके से डिक्रीज इन ये बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल जो है लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है वो घटा है, तो हम लोग अपोजिट माने लेस में लिखे 15,000। इसके बाद है आपका इंक्रीज इन अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम जो है, अक्रूड इनकम जो है वो बढ़ गया है, तो हम लोग उसको लिख दिए हैं 1,000। टोटल इधर करने से 23,500 लेस में आया और ऐड में 10,200 आया, ऐड किए 10,200 तो हो गया 1,50,200 और लेस किए 23,500 तो हम लोग का टोटल एग्जैक्ट जो आया 1,26,700, यही कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन हम इसी तरीके से करते हैं। इसके अलावा अब हम कोई भी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या होगा कि इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस है वैसा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम और भी किसी दूसरे बुक का क्वेश्चन को ये कोरिलेट करेंगे और किसी दूसरे बुक के क्वेश्चन या इसी बुक के मैं डिफरेंट टाइप का बुक के क्वेश्चन लेकर के हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप इस क्वेश्चन को बना सकें। आप हमेशा याद रखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही आपके एग्ज़ाम में आने जा रहा है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही आएगा, ये हम लोग का हो गया।